विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक मेजर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा करेंगे। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे निर्धारक तत्व विद्यमान होते हैं जिन पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। विश्व के सभी देशों में आर्थिक वृद्धि दर हुई है, लेकिन विश्व के देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी इत्यादि परिस्थितियों में अंतर होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि दर अलग अलग रही है। आर्थिक वृद्धि दर के लिए विद्यार्थियों, ये आवश्यक है कि आय सृजन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों को दूर किया जाए। जहाँ तक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों की बात है, तो इसमें हम निर्धनता के दुष्चक्रों का क्रियाशील होना, निम्न पूंजी निर्माण दर, जनसंख्या विस्फोट, बाजार की अपूर्णताएं, श्रम की गतिहीनता, बाजार का सीमित आकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिप्रभाव या देश जो हैं उपनिवेशवाद के जो शिकार हुए हैं, हम इन कारकों को ले सकते हैं जो कि देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है कि इन बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों को दूर किया जाए और दूसरी तरफ आय सृजन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि के कारकों की अपने अपने ढंग से विवेचना की है। जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री पूंजी को आर्थिक विकास का इंजन मानते थे। शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन इनोवेशन को आर्थिक विकास का आवश्यक तत्व बताया है और उन्होंने कहा नव प्रवर्तन का मतलब है उत्पादन की नई तकनीक का सूत्रपात या नई वस्तुओं का उत्पादन या नए बाजारों का उपलब्ध होना, नए साधनों का उपलब्ध होना। इसी प्रकार W.A. Lewis कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि के तीन मुख्य तत्व हैं, मितव्यता के प्रयत्न यानी जो उत्पादन है उसको कम लागत पर उत्पन्न करना या दिए हुए आगतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ज्ञान को बढ़ाना एवं इसका प्रयोग, इसके अलावा प्रति व्यक्ति पूंजी तथा अन्य साधनों में वृद्धि। नर्क से कहते हैं कि आर्थिक विकास का मानवीय प्रतिभा, सामाजिक अभिवृत्ति, राजनीतिक स्थितियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से गहरा संबंध है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से आर्थिक विकास के तत्वों को हाईलाइट किया है। जैसे हेरोडोमर कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर, पूंजी उत्पादन अनुपात, बचत का आय से अनुपात, ये आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं। तो हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है और इसको निर्धारित करने वाले कारकों को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक। जो आर्थिक कारक हैं वे किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, आर्थिक विकास के लिए जो बीज है उसका काम करते हैं, और जो गैर आर्थिक तत्व हैं वे आर्थिक विकास के लिए अनुकूलतम वातावरण एवं प्रेरणा का काम करते हैं। आर्थिक विकास इन गैर आर्थिक कारक और आर्थिक कारक दोनों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक में हम सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों को ले सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ले सकते हैं।
लुईस कहते हैं कि किसी देश में अन्य बातें समान रहने पर व्यक्ति अल्प साधनों की अपेक्षा समृद्ध साधनों का श्रेष्ठतर उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है, प्राकृतिक संसाधनों में हम भूमि और उसके उपजाऊपन को ले सकते हैं। इसके अलावा वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, समुद्री साधन, ये सब साधन प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जैकब वाइनर, विलियम बोमोल, लुईस इत्यादि ने आर्थिक वृद्धि के लिए प्राकृतिक साधनों को महत्वपूर्ण माना है। प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में होने पर या कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न होने पर वह अपने आर्थिक विकास को तेज कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन उस देश के औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक संपन्नता का आधार होते हैं। परंतु ये देखने में आया है कि सामान्यतः अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधन प्रायः अल्प प्रयुक्त या अप्रयुक्त रहते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का विकास तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से भी संभव है। विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये देखने में आया है कि लैटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद विकास का स्तर अत्यंत कम रहा है, जबकि दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड जैसा देश जो कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी नहीं है, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो भी वह विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ये भी बात है कि आर्थिक विकास के साथ साथ देश की वृद्धि दर में प्राकृतिक संसाधनों का जो सापेक्षिक महत्व है वह कम होता जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ उनका उचित विदोहन भी जरूरी है, इसलिए जो किसी देश है उसका आर्थिक विकास प्राकृतिक साधनों पर निर्भर तो करता है, लेकिन प्राकृतिक साधन ही आर्थिक विकास के लिए एकमात्र कारक नहीं है। इसके अलावा जो आर्थिक विकास है या आर्थिक वृद्धि है उसका जो अगला निर्धारक तत्व है वह है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी देश के लिए जो मानवीय संसाधन हैं वह उस देश के लिए साधन है, आर्थिक वृद्धि का साधन है और साध्य दोनों हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मानवीय संसाधन होते हैं वे उत्पादन प्रक्रिया में एक आवश्यक कारक है, फैक्टर है, क्योंकि मानवीय संसाधन ही, श्रम ही उत्पादन के अन्य कारकों को, फैक्टर्स को उत्पादन प्रक्रिया में नियोजित करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं उनका लक्ष्य केंद्र बिंदु भी मानवीय संसाधन ही हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं लोगों के बेहतर जीवन को करने के लिए, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए ही संपन्न की जाती हैं। तो इसलिए किसी भी देश में स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षित श्रम शक्ति होने पर आर्थिक वृद्धि संभव हो सकती है। लेकिन देखने में ये आया है कि अल्प विकसित देशों में
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है, खास तौर से जब देश की जो वृद्धि दर है उसकी तुलना में यदि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन है उसकी मांग और उसकी पूर्ति के बीच में अंतराल बढ़ जाता है और बढ़ती हुई जनसंख्या पूंजी निर्माण और आगे चलकर आर्थिक विकास की गति में बाधा उत्पन्न करती है। और इसके अलावा अधिक जनसंख्या बेरोजगारी और उसके साथ साथ अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए जहां शिक्षित प्रशिक्षित श्रम शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं श्रम शक्ति का उचित नियोजन भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण किया जाए, साथ साथ जो जनसंख्या है श्रम शक्ति है उसके ज्ञान कुशलता और क्षमता में निर्माण के प्रयत्न किए जाएं, जिसे हम मानव पूंजी निर्माण भी कहते हैं। इसके अलावा जो श्रम शक्ति है उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है, तभी कोई देश अपने उपलब्ध मानवीय संसाधनों से तीव्र आर्थिक विकास कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद में जो वृद्धि है वह श्रम की उत्पादकता पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, किसी भी देश के लिए मानवीय संसाधन अति महत्वपूर्ण हैं आर्थिक विकास के साधन के रूप में, लेकिन मानवीय संसाधन स्वस्थ शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी जो देश है उनको निरंतर मानवीय पूंजी निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा जो आर्थिक वृद्धि है उसका जो एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, निर्धारक कारक है आर्थिक वृद्धि का, वह है पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण जिसको हम भौतिक रूप से पुनरुत्पादन योग्य उत्पादन साधनों के निर्माण के रूप में जानते हैं। यानी पूंजी निर्माण में हम स्थिर पूंजी निर्माण, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को शामिल करते हैं। यानी जो पूंजी निर्माण है वह आर्थिक विकास की एक पूर्व आवश्यकता है। सभी अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु, आर्थिक विकास का इंजन कहा है, और पूंजी निर्माण से ही जो देश है उसके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पूंजी निर्माण के लिए विद्यार्थियों यह आवश्यक है कि बचतों का सृजन किया जाए, यानी जो उत्पादन हो रहा है उसमें से हमें सारा उत्पादन उपभोग पर खर्च ना किया जाए बल्कि बचतों का सृजन किया जाए। पूंजी के भंडार में वृद्धि के फलस्वरूप ही कोई अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर उत्पादन और विशेषीकरण के लाभों को उठा सकती है। तो पूंजी निर्माण के लिए बचतों का सृजन किया जाए, बचतों की गतिशीलता, यानी कहने का मतलब ये है जो अर्थव्यवस्था में जो बचत हो रही हैं उनको इकट्ठा किया जाए और इन बचतों को पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग के लिए निवेश किया जाए। ये तीन अवस्थाएं पूरी होने पर पूंजी निर्माण किसी देश में होता है। विद्यार्थियों, पूंजी निर्माण के द्वारा तकनीकी प्रगति संभव है, सामाजिक आर्थिक उपरि सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। जो देश में सड़कें हैं, ब्रिज है, एयरपोर्ट्स हैं, जो विद्युत उत्पादन है या विद्युत सुविधा है, इन सब का निर्माण
पूंजी निर्माण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी निर्माण जो अल्पविकसित देश हैं उनमें निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो कम विकसित देश हैं उनमें ये देखा गया है कि आय का स्तर कम होता है, आय का स्तर कम होने के कारण बचत क्षमता अधिक होती है और उपभोग का स्तर भी निम्न होता है, बचत क्षमता भी निम्न होती है, और इसके अलावा जब बचत क्षमता नहीं है तो निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते, निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो पूंजी निर्माण नहीं किया जा सकता। तो अल्पविकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों तरफ से पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। पूंजी निर्माण विद्यार्थियों प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पूंजी निर्माण के माध्यम से ही श्रम को अधिक अच्छे उपकरण प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता होती है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादकता है उसमें वृद्धि होने से आय स्तर ऊंचा उठता है। इसके अलावा पूंजी निर्माण देश के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए उपयोग के लिए भी आवश्यक है। लेकिन हमें किसी देश के आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए ये जरूरी भी है कि जो पूंजी निर्माण हो रहा है, जो निवेश हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वह अनुकूलतम होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि देशों को ऐसे उद्योगों में निवेश करना चाहिए जहां सामाजिक सीमांत उत्पादकता अधिक हो, जिससे बाजार की अपूर्णताएं कम हो और अतिरिक्त बाह्य मितव्यताओं का सृजन हो। यानी निवेश ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में और अधिक उत्पादन की प्रक्रियाएं तेज होती हों। तो विद्यार्थियों पूंजी निर्माण किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि जो अल्पविकसित देश हैं उनमें पूंजी की पूर्ति बहुत थोड़ी होती है क्योंकि आय का स्तर नीचा होता है, तो अल्पविकसित देशों में बाजार प्रणाली के ऊपर पूंजी निर्माण को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करके बचत दर को ऊंचा उठाना होगा, पूंजी निर्माण की दर को तेज करना होगा। हालांकि विद्यार्थियों अल्पविकसित देशों में यदि हम पूंजी की मांग पर एक निवेशक की दृष्टि से विचार करें तो ये देखने में आता है कि जो कम विकसित देश हैं उनमें बाजार का सीमित आकार, छोटा आकार होने के कारण निवेश के लिए जो प्रेरणा है, इंसेंटिव है, वो अधिक नहीं होता और इसलिए इन देशों में पूंजी की मांग भी कम होती है। जबकि अल्पविकसित देशों की विकास के संदर्भ में पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो इन देशों में पूंजी निर्माण के लिए बाजार के आकार को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा हम जो आर्थिक वृद्धि का जो अगला कारक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस वह है तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब है नई उत्पादन तकनीकों का विकास, अन्वेषण, नव प्रवर्तन, उत्पादन के नए साधन, ये सब तकनीकी प्रगति के अंतर्गत आता है। और शुम्पीटर कहते हैं आर्थिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है तकनीकी प्रगति या नव प्रवर्तन, जिसको उन्होंने कहा है।
क्योंकि तकनीकी प्रगति से ना केवल श्रम और पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन संभव होता है, कम समय में अच्छी वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। यानी जो श्रम और पूंजी की उत्पादकता है वह बढ़ जाती है तकनीकी प्रगति के कारण। विद्यार्थियों, जब हम आर्थिक विकास के मॉडल्स का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि तकनीकी प्रगति के कारण जो उत्पादन फलन है वह ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति प्रति श्रमिक पूंजी की उसी राशि के साथ प्रति श्रमिक अधिक उत्पादन संभव होता है। तो तकनीकी प्रगति जो है आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। आर्थिक विकास होने पर तकनीकी प्रगति होती है और तकनीकी प्रगति होने पर आर्थिक विकास तेज होता है। आर्थिक विकास में तकनीकी के योगदान के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण जापान की अर्थव्यवस्था है, जिसने तकनीकी प्रगति के से आर्थिक विकास के स्तर को काफ़ी ऊंचा उठाया है, विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। तो विद्यार्थियों, ये आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। आर्थिक विकास के अन्य महत्वपूर्ण घटक, आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आर्थिक विकास के और कौन से घटक हैं जिन पर आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है। इनको हम इस वीडियो के पार्ट टू में हम इनको और आगे डिस्कस करेंगे।